बीते दिनों पुलिस और प्रशासन के द्वारा ब्योहारी में रेत कारोबारियों के खिलाफ की गई संयुक्त कार्यवाही के बाद एक बार फिर भाजपा विधायक शरद ने प्रशासन पुलिस विभाग को आड़े हाथों लेते हुए पुलिस की कार्यवाही पे सवाल खड़ा करते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्योहारी विधायक शरद कोल ने बयान जारी करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही संतोषजनक तो है, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस जिस तरह से बड़े बड़े नामों को बचाने का खेल खेल रही है वह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा कार्यवाही के दौरान जो हाईवा बड़ी संख्या में पकड़े गए थे उन वाहनों के नंबर पूरी तरह से सामने नहीं रखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की इस कार्यवाही से ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कुछ वाहन जो बड़े बड़े लोगों के नाम पर पंजीकृत है, इस कारण से पुलिस उन नंबर और उन वाहन मालिकों के नाम का खुलासा नहीं कर रही है। विगत दिनों में जो माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की ज्वाइंट टीम ने जो पौड़ी खदान में और मुगोला खदान में जो कार्रवाई करी है सामूहिक रूप से, उनमें जो गाड़ियां जब्ती हुई, उन जब्ती गाड़ियों में से काफ़ी गाड़ियों के शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन काफ़ी गाड़ियों के जो नंबर हैं उनको अज्ञात रूप में बताकर पुलिस ने इस बात को अभी गुप्त रखा है, जिससे कि आम जनमानस में इस बात की भी सुगवाहट है कि उनमें काफ़ी बड़े नाम हो सकते हैं उन गाड़ी मालिकों के। इसलिए लोगों की आशंका है कि उन गाड़ियों के नंबर चेंज किए जा सकते हैं या कि गाड़ियां बदली जा सकती है। इसलिए मेरा इस विषय पर मानना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द जो है वो नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए, गाड़ियों के नंबर सार्वजनिक किए जाने चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता आ सके। और जिस तरह लगन से प्रशासन ने कार्रवाई करी है, उस कार्यवाही के प्रति लोगों की सच्ची जो है संवेदना, सच्ची भावना जो है, उनके निष्ठा जो काम करने का था वो सराहनीय, सकारात्मक रूप से आम जनमानस के बीच आ सके, ऐसे उद्देश्य के साथ मैं प्रशासन को भी मैंने अवगत कराया है कि नाम जल्द से जल्द सार्वजनिक किए जाए। धन्यवाद। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शहडोल से अखिलेश मिश्रा की रिपोर्ट।